हाय गाइस, मैं हूं पवन कुमार फ्रॉम श्री जीएमडी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए फ्लैट लेकर आ गया हूं। मैं आज जो वैरायटी लेकर आया हूं आपके लिए, 2 BHK में 64 स्क्वायर यार्ड में आपको एक बहुत ही बेहतरीन फ्लैट दिखाने वाला हूं। अभी आप ठीक पीछे मेरे देख भी रहे होंगे, बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। आप देख सकते हैं एलिवेशन आपको नज़र आ रहा होगा। और ये फ्रंट साइडेड फ्लैट रहेगा। सबसे बेहतरीन चीज़ इस बिल्डिंग की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी बिल्डिंग का एलिवेशन है। फ्रंट साइड में 2 फ्लैट रहेंगे और 1 फ्लैट आपका पीछे की साइड रहेगा, यानी कि पर स्लैब 3 यूनिट्स है। और तकरीबन अगर मैं टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैट्स की बात करूँ तो 12 फ्लैट्स यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ से मैं बात करता हूँ मेट्रो कनेक्टिविटी की, तो मेट्रो कनेक्टिविटी यहाँ से तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी पर ही मेट्रो कनेक्टिविटी है। लोकेशन हमारी ये रहेगी भगवती गार्डन, बी ब्लॉक। तो चलिए गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही बढ़िया फ्लैट जो कि 2 BHK में लेकर आया हूँ, 64 स्क्वायर यार्ड में। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ, जब हम अपने फ्लैट में एंटर करते हैं तो फ्लैट में एंटर करते हैं, हमारा मेन एंट्रेंस ये रहेगा। जब हम एंटर करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में एक लॉबी का स्पेस मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया लॉबी का स्पेस है। अगर मैं लॉबी के दोनों तरफ की वॉल की बात करूं तो वॉल पे हमारा रहेगा टेक्सचर पेंट, जो कि सिल्वर कलर में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में यहाँ पे हमने यूज़ किया है। अगर आप ठीक मेरे ऊपर देखेंगे तो एक फॉल सीलिंग का आपको जो है स्ट्रेट वे में एक डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें ग्लास हमने लगाया है और ब्लू कलर की कॉब लाइट इसमें यूज़ की गई है, LED लाइट्स यूज़ की गई है। और जैसे ही हम अपने लॉबी के स्पेस से आते हैं तो सबसे पहले हम चल रहे हैं अपने लिविंग हॉल में, और लिविंग हॉल का आपको एक लुक दिखाता हूँ कि लिविंग हॉल का जो लुक रहेगा, ऑल ओवर जो लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया 2 BHK में फुल्ली स्पेशियस फ्लैट है, जो कि लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कि एक स्पेशियस फ्लैट आप देखने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेता हूँ लिविंग हॉल के बारे में, बता देता हूँ लिविंग हॉल का जो साइज रहेगा, तकरीबन 15x11x12 के आसपास का साइज रहेगा ये, जो कि आपकी सोफे की प्लेसमेंट इजीली यहाँ पे आपका बहुत ही बढ़िया 7 सीटर तक का सोफा यहाँ लग सकता है, टीवी कैबिनेट आपका सामने आ जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले इस वॉल की, वॉलपेपर आप देख सकते हैं 3D वॉलपेपर यहाँ पे यूज किया गया है, कस्टमाइज वॉलपेपर है, बहुत ही बेहतरीन वॉलपेपर यहाँ पे यूज किया गया है। साथ ही साथ AC का पॉइंट आपको, यानी कि AC की पाइपिंग की फिटिंग जो कि फुल्ली कॉपर में है, ये हम यहाँ पे आपको लगा के दे रहे हैं। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आप देख सकते हैं दोस्तों, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन स्क्वायर शेप में बहुत ही बढ़िया फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है। और साथ ही साथ इस हॉल के साथ अगर मैं बात करूं तो आपकी रहेगी हमारी मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन की जो है आपका, पहले आप साइज देख लीजिए मॉड्यूलर किचन का, स्पेशियस साइज है, वेंटिलेशन प्रॉपर मिल रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेता हूँ फ्रिज, फ्रिज के स्पेस के लिए जगह आपको यहाँ मिल गई है, जो कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि रेफ्रिजरेटर और जो फ्रिज वगैरह है वो कहाँ रखेंगे। स्पेस आपको यहाँ डिफाइन कर दिया गया है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए, वाइट और पर्पल शेड के कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे माइका का यूज किया गया है, जो कि एक्रेलिक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में यहाँ पे लगाई गई है। वुडन पार्टीशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पल्ले दिए गए हैं, 3 आपको छोटे छोटे ड्रॉअर्स मिल रहे हैं जिसमें आपकी क्रोकरी वाली भी बास्केट यहाँ पे आ जाती है। स्मूथनिंग की अगर बात करूँ तो प्रॉपर स्मूथनिंग यहाँ मिल रही है आपको, आटा बास्केट यहाँ पे मिल जाती है, और एक आपको सिंगल जो आपके फॉग वगैरह और चम्मच वगैरह आप इजीली यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। सिलेंडर के लिए बात कर लेता हूँ,
सिलेंडर के लिए एक स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है। जितने भी यहाँ पे कब्जे वगैरह हम आपको लगा के दे रहे हैं, जैकमैन कब्जे यहाँ पे लगा के दे रहे हैं, सिलेंडर लॉक यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, चिमनी का प्रोविजन है, चिमनी आपको यहाँ मिल रही है। वेंटिलेशन की बात कर लेता हूँ सबसे पहले तो दोस्तों, वेंटिलेशन फ्रंट साइडेड फ्लैट है तो वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिल रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको विंडो का यहाँ पे पूरा वेंटिलेशन है, दो आपको छोटे छोटे ऊपर आप देख रहे होंगे एग्जॉक्स के लिए भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो अपना आप इजीली चिमनी तो है ही साथ ही साथ एग्जॉक्स भी लगा सकते हैं। स्पेशियस है, 2 BHK में बहुत ही बढ़िया फ्लैट है। और अभी हम चल रहे हैं अपने फर्स्ट बेडरूम यानी कि मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम आप देख सकते हैं, सबसे बढ़िया बात मास्टर बेडरूम की, पीसफुल है, बहुत ही सुंदर बेडरूम है। फॉल सीलिंग का सबसे पहले आप डिजाइन देख लीजिए, फॉल सीलिंग का डिजाइन राउंड शेप में फॉल सीलिंग का डिजाइन है जिसके अंदर हमने कॉब लाइट का यूज किया है, बीच में फैन के पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं तो आपका इजीली यहाँ पे फैन भी लग जाएगा। फ्रंट साइडेड फ्लैट है, सनलाइट की आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इजीली आपका फुल्ली वेंटिलेशन बनता है यहाँ पे। वॉलपेपर आप देख सकते हैं, व्हाइट कलर का वॉलपेपर है, पर्पल शेड में यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो है फ्लावर्स यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत ही बढ़िया प्रीशियस लुक यहाँ पे मिल रहा है। एसी का तो पॉइंट यहाँ पे आपको दे ही रहे हैं हम स्प्लिट का, और साथ ही साथ अटैच टॉयलेट यहाँ पे आपको मिल रहा है मास्टर बेडरूम में, तो अटैच टॉयलेट आप देख सकते हैं। अभी सैनिटरी फिक्सचर्स वगैरह भी यहाँ पे लगने हैं, अभी लगे नहीं है। और साथ ही साथ डोर देख सकते हैं, ब्लैक कलर के डोर माइका यहाँ पे यूज की गई है, डोर काफी अच्छे लगे मेरे को। हाइट की अगर मैं तकरीबन बात करूँ तो तकरीबन 8 से 9 फिट की इसकी हाइट रहने वाली है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको एक सिंगल विंडो भी दी गई है। और बालकनी के स्पेस की अगर मैं बात करूँ, लंबाई और चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ, काफी अच्छी चौड़ाई रहेगी बालकनी की, और आप जो है यहाँ पे इजीली यहाँ, तो जैसा कि बालकनी स्पेस की मैं बात कर रहा था, तो बालकनी का जो स्पेस है इजीली आप यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, ड्रेनेज के पॉइंट आपको दिए गए हैं, टैब का प्रोविजन यहाँ पे है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस यहाँ पे है, तो ऑल ओवर आपकी जो बालकनी है फुल्ली स्पेशियस है। अब हम चल रहे हैं अपने सेकंड बेडरूम में, तो चलिए आपको मैं सेकंड बेडरूम दिखाता हूँ। और सेकंड बेडरूम में जब हम जाते हैं तो हमारा लिविंग हॉल भी बीच में आता है, तो लिविंग हॉल से भी हम निकल सकते हैं। बात कर लेते हैं कॉमन टॉयलेट की, तो कॉमन टॉयलेट भी आप एक बार देख लीजिए, कॉमन टॉयलेट का साइज क्या रहेगा इसके अंदर। कॉमन टॉयलेट में जो टाइल वगैरह का जो कॉम्बिनेशन है ब्राउन शेड में और क्रीमी शेड में, बहुत ही सुंदर टाइल्स यहाँ पे लगाई गई है। गाइज सेकंड बेडरूम में हम आ चुके हैं, सेकंड बेडरूम का व्यू आप एक बार देख लीजिए, बहुत ही सुंदर व्यू इसका रहेगा। और साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज मेरा इस बेडरूम का अगर मैं बात करूं तकरीबन 12x11 के आसपास का इसका साइज रहने वाला है। और बात करते हैं सबसे पहले हम अपने वॉलपेपर की, तो वॉलपेपर की जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी यहाँ पे यूज की गई है, जो कि ब्राउनिश शेड में यहाँ पे आप लीव्स का डिजाइन देख सकते हैं, गोल्डन शेड में लीव का डिजाइन है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे डिजाइन ये मेरे को लगा। स्प्लिट एसी का पॉइंट यहाँ पे है तो एसी आप इजीली लगा सकते हैं। इस बेडरूम में वेंटिलेशन की बात करें तो शाफ्ट का प्रोविजन दिया गया है, तो शाफ्ट से हमारा जो है यहाँ पे जो है वेंटिलेशन आपको मिल जाएगा। अलमीरा जो है आपको यहाँ पे मिल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अलमीरा का जो स्पेस है, अलमीरा आपको यहाँ पे मिल रही है, एक सिंगल हैंडेड अलमीरा यहाँ पे आपको मिल रही है, दो ऊपर छोटे छोटे आपको कवर्स दिए गए हैं, तो अलमीरा भी आपको यहाँ पे मिल रही है। साथ ही साथ फॉल सीलिंग का डिजाइन आप देखिए, फॉल सीलिंग का डिजाइन बहुत ही सुंदर फॉल सीलिंग का डिजाइन है, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि सीलिंग के अंदर जो हमने छोटी छोटी एलईडी लाइट्स लगाई है पिंक शेड में, जो ये ग्रेस दे रही है, ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन लाइट है, और फैंसी लाइटिंग भी यहाँ पे की गई है, जो कि बहुत ही सुंदर फैंसी लाइटिंग यहाँ पे ब्राउन शेड में यहाँ पे लगाई गई है। तो ऑल ओवर अगर मैं इस फ्लैट की बात करूं तो जो लोग अपने लिए एक छोटे से घर का आशियाना देख रहे हैं, और जो लोग चाहते हैं कि नियर अबाउट मेट्रो स्टेशन जिनको फ्लैट चाहिए और काफी टाइम से सर्च कर रहे हैं, तो ये वाला फ्लैट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। और बात करते हैं इस फ्लैट की प्राइस की, तो प्राइस आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा क्या क्या एमिनिटीज आपको यहाँ पे मिल रही है। मैं सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको जो है
इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ पे BACS की मिल रही है। पानी के कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपका दिल्ली जल बोर्ड का पानी रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है बोरवेल का भी ऑप्शन है, लिफ्ट आपको यहाँ मिल रही है, गाड़ी की पार्किंग आपको यहाँ मिल रही है, और मेट्रो स्टेशन तो आपको 200-250 मीटर पे ही आपका नियरेस्ट द्वारका मेट्रो स्टेशन पड़ने वाला है। तो आप एक बार इस फ्लैट को देखिए, जो भी अभी तक फ्लैट सर्च कर रहे हैं एक बार ये फ्लैट आपका देखना बनता है। और विजिट करने के लिए मेरे स्क्रीन पे आपको नंबर भी मिल रहा होगा, तो आप उस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। 7 डे हमारा ऑफिस ओपन रहता है। और आज की अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।